Hey everyone, good morning. This is Polemi and welcome to my channel Bifocal Zindagi. कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, मैं भी अच्छी हूँ. सो अभी तो सुबह, आज है संडे वैसे, और अभी सुबह का टाइम है, सुबह 9 बज रहा है. मोनोजीत अभी तक सो ही रहा है और मैं उठ गई हूँ क्योंकि ब्रेकफास्ट वगैरह मुझे बनाना है, इसलिए मैं जल्दी उठ गई थी. तो थोड़ा प्रिपरेशन कर लिया है, पूरी बनाऊंगी और हरे मटर और आलू की एक पतला थोड़ा सा करी टाइप बनाऊंगी पूरी के साथ खाने के लिए. और उसके बाद ना हम दोनों को निकलना है, थोड़ा शॉपिंग करने जाना है. तो लंच करके जाएंगे या यही खा के निकल जाएंगे, पहाड़ी लंच वगैरह कुछ करेंगे, वो अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है. मनोजीत तो अभी तक सो ही रहा है, वो उठेगा तो प्लान बनेगा. तो इसलिए मैं उठ गई थी थोड़ी देर पहले ही. थोड़ी देर क्या, एक डेढ़ घंटा हो गया होगा. सुबह ना अभी उठती हूँ ना रोज़, तो एक हैबिट हो गया है, तो इसलिए सुबह जल्दी आँख खुल जाती है. तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत काम करती रहती हूँ, जल्दी जल्दी में हो जाएगा. यहाँ पे देखिए ग्रीन मटर और आलू को मैंने ऐसे पहले बॉयल कर लिया है, तो अभी जस्ट क्रश करके आलू को और मटर को थोड़ा सा छौंक लगा के बना दूंगी जल्दी में. एकदम वेज बनाऊंगी मैं सोच रही हूँ, कलौंजी डाल के. और पूरी तलने के लिए देखिए यहाँ पे गोले भी मैंने बना लिए हैं, आटा लगा के उसके बाद पोर्शन पोर्शन कर लिया है. अभी पूरी तलूँगी और ये करूँगी तो ब्रेकफास्ट मेरा बन जाएगा जल्दी से. तो ये रहा हमारा आज का ब्रेकफास्ट, पूरी साथ में ये सब्ज़ी हरे मटर और आलू की, और 2 कप गर्मा गर्म चाय. तो ब्रेकफास्ट तो बन गया है, सो अभी लेंगे ये ब्रेकफास्ट और उसके बाद थोड़ी देर में घर वर साफ करके नहा के रेडी हो जाएंगे और निकलेंगे हम दोनों. थोड़ा बहुत शॉपिंग भी करना है और थोड़ा घूम के आएंगे, संडे है तो घूम के आने में अच्छा लगेगा ना, घर पे बैठ के भी क्या करें, तो इसलिए सोच रहे हैं कि थोड़ा निकलेंगे. तो चलिए अभी ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेती हूँ, उसके बाद एक बार मैं रेडी होके आप लोगों से फिर से मिलूँगी और हमारे साथ आपको भी घुमा के लेके आऊँगी. रेडी हो गए हैं हम दोनों, मनोजीत भी रेडी हो गया है यहाँ पे छीकड़ा बैठ के और शू पहन रहा था. ये रहा मनोजीत और मैं भी रेडी हो चुकी हूँ, तो अभी निकलेंगे. कितना बज रहा है? 12:15 बज रहा है.
तो निकलते हैं बाहर ही, कुछ लंच वगैरह हल्का फुल्का कुछ कर लेंगे और घूम के आते हैं, थोड़ा बहुत जो भी शॉपिंग है करते हैं। हाँ, बहन की शादी है, कुछ खरीदना तो पड़ेगा। अच्छा, तो लगना पड़ेगा ना तो इसलिए जा रहे हैं अभी हम दोनों, तो चलिए घूम के आते हैं। दादर पहुंच गए हैं हम दोनों और जस्ट आए हैं, सो अभी देख रहे हैं। मोनजीत बोल रहा है कि कुछ खाएंगे पहले, उसके बाद शॉपिंग करने जाएंगे, देखते हैं क्या प्लान बनता है। काफ़ी देर हो चुका है, 2 बज रहा है करीब, सो लेट्स सी। दादर मार्केट में ही एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट है, मैं उसका नाम याद नहीं आ रहा है मुझे अभी, तो वहीं हम लोग गए हैं आज और वहां पे अभी लंच करेंगे। तो सोच रहे हैं क्या ले, यहां पे वैसे बिरयानी बहुत फेमस है इन लोगों का, चिकन बिरयानी हो या मटन बिरयानी हो, लेकिन आज हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ अलग खाया जाए, क्योंकि जिस दिन भी हम लोग आते हैं ना, अगर इस होटल में पर्टिकुलरली आते हैं तो हम बिरयानी ही खाते हैं, तो इसलिए आज हमने थाली ऑर्डर किया है, चिकन थाली। तो इसमें दाल फ्राई दिया था, एग करी दिया था, चिकन करी दिया था, पराठा दिया था, चावल दिया था और पापड़ और साथ में सलाद। तो खाना मैं बोलूँगी सो सो था, उतना अच्छा नहीं था, इन लोगों का बिरयानी उससे बहुत ज़्यादा अच्छा है, थाली एवरेज था। खाना खा के निकल के ही शॉपिंग करने लग गई मैं, और यहाँ पे एक स्ट्रीट वेंडर से मैं क्लिप्स वगैरह ये सब ले रही थी, हर चीज़ 10 रुपीज़ इनके पास मिल रहा था, तो मैं वही देख के एक एक करके ले रही थी। उसके बाद हम लोग गए दादा साहेब फालके रोड, जो हिंद माता मार्केट है उधर, क्योंकि मोनोजीत के लिए आज शॉपिंग करना है, जैसे कि मेरे सिस्टर इन लॉ की शादी है, तो इसलिए मोनोजीत ने अभी तक कुछ नहीं लिया है, उसके लिए शॉपिंग करना है। मैंने तो वैसे एक साड़ी ऑलरेडी ले लिया है, तो वही हम लोग ढूंढ ढूंढ के देख रहे हैं कि जेंट्स वेयर का शॉपिंग कहाँ से करें, क्योंकि लेडीज़ वेयर के लिए तो बहुत सारा शॉप्स है, लेकिन फाइनली एक दो शॉप हम लोगों को दिखा और हम लोग गए देखने के लिए। और उसके बाद मोनोजीत अपने लिए कुछ कुछ कपड़े पसंद करता है और ले लेता है। कपड़ा ख़रीदना हो गया तो निकलते ही मुझे ये बैग का शॉप दिखा, इतना अच्छा कलेक्शन था ना इन लोगों का, तो यहाँ से मैं एक बैग लेती हूँ अपने लिए। शॉपिंग तो हो गया, मनोजीत ने ढेर सारा शॉपिंग किया है, घर जाके दिखाएंगे आप लोगों को। और मैंने एक चीज़ अभी तक लिया है, ज़्यादा नहीं लिया है, देखते हैं और कुछ, क्योंकि मैंने लास्ट दिन शॉपिंग कर लिया था ना, अभी मन नहीं कर रहा है और कुछ उतना ख़रीदने का, तो देखते हो अगर कुछ अच्छा मिलेगा तो ख़रीदूँगी। वो मोनजीत बोल रहा था और एक साड़ी लेने के लिए, लेकिन मुझे नहीं चाहिए अभी, बहुत सारा हो गया है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ अभी नहीं, कुछ दिन बाद फिर से लूँगी। तो देखती हूँ, अभी तो शॉपिंग हो गया है, घर जाके दिखाऊँगी। अभी वापस जा रहे हैं, मे बी थोड़ा चर्च गेट जाएँगे घूमने, उसके बाद घर जाएंगे। कीप वॉचिंग। यहाँ पे और भी बहुत सारा कैजुअल जो बैग्स होता है ना, स्टाइलिश, वो सब दिख रहा था मुझे, तो यहाँ से भी मैं एक बैग अपने लिए लेती हूँ, स्लिंग बैग जो है वो, तो बहुत बहुत अच्छा कलेक्शन है यहाँ पे, और सारे जो बैग्स हैं ना सिर्फ 200 रुपीज़ करके, तो मैं इनमें से एक पसंद कर लेती हूँ अपने लिए। फिर आ गए हम लोग चर्च गेट और अभी मरीन ड्राइव में जा रहे हैं बैठने के लिए, हवा खाएंगे समंदर। मरीन ड्राइव नहीं जाके जाएंगे, घर में तो मज़ा नहीं आएगा। बेहतरीन वेदर है और बहुत अच्छा लगता है मरीन ड्राइव में आने से, आप देख सकते हैं कि सराउंडिंग बहुत अच्छा है। तो अभी बैठेंगे, सनसेट देखेंगे और
एंजॉय करेंगे। ये जो रोड आपको दिख रहा है ये सीधा मरीन ड्राइव के वो लेके चलता है। तो आ गए हैं हम लोग फाइनली यहाँ पे और इतना हवा चल रहा है ना क्या बताऊँ। तो बहुत अच्छा लगता है शाम के टाइम यहाँ पे अगर आते हैं तो सनसेट देखने के लिए हम दोनों एक्चुअली आए हैं। इतना पास दादर से तो चर्च गेट बहुत ही पास है, इसलिए हमने सोचा कि चले आते हैं और थोड़ा इस व्यू को एंजॉय करते हैं। तो आप भी मेरे साथ थोड़ा इस शानदार व्यू को एंजॉय कीजिए। दोपहर को करीब 12 बजे हम लोग घर से निकले थे, तो आज ना बहुत टायर्ड लग रहा है इसलिए सनसेट तक हम लोग वेट नहीं किए और अभी हम लोग निकल जा रहे हैं क्योंकि मन कर रहा है घर चले जाए, क्योंकि घर जाके उसके बाद थोड़ा लेटेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, आज बहुत टायर्ड हो गए हैं। तो मरीन ड्राइव से निकल के आ गए हम लोग चर्च गेट स्टेशन और अभी ट्रेन लेके घर वापस। यहीं पे आपसे विदा लेती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ फिर आपके साथ एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, खुश रहिए एंड कीप वॉचिंग बाई फोकल जिंदगी।